गरीब बच्चे के इलाज के लिए आगे आया आर्यस कॉन्वेंट स्कूल, बच्चों ने गुल्लक फोड़ दी, बच्चे को मदद। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर अतरौलिया विकास खंड के ग्राम पंचायत गोविंदपुर निवासी वीरेंद्र मौर्य का इकलौता 7 वर्षीय पुत्र राज बहादुर मौर्य, जो कक्षा 2 का छात्र है, वो पिछले वर्ष 23 नवंबर को अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसके दाहिने हाथ में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया। अपने बच्चे का हाथ टूटने की सूचना मिलते ही माता पिता परेशान हो गए और बच्चे के हाथ में प्लास्टर लगवा दिया। कुछ दिन इलाज करने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं हुआ और घाव बढ़ता गया। बच्चे के दर्द से माता पिता काफ़ी परेशान हो गए थे और थक हार कर अपने बच्चे के इलाज के लिए लखनऊ स्थित PGI गए। रिपोर्ट देखने के बाद PGI के चिकित्सकों ने दवा इलाज में 12 लाख रुपए का खर्च बता दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हाथ की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होगी, तब जाकर इसका हाथ सही होगा, नहीं तो बच्चे का हाथ काटकर निकालना पड़ेगा। यह सुनकर के बच्चे के माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बच्चे के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में नगर पंचायत स्थित RS कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक और बच्चों ने उस पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए 25,000 रुपये इकट्ठा कर वीरेंद्र मौर्य को सौंप दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने यह पैसा अपने गुल्लक में जमा किया था, जिसे पीड़ित बालक के इलाज के लिए दे दिया गया है। मेरे बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जो हमारे अतरौलिया के निजी अस्पताल के द्वारा सड़न उसमें हो गई थी। मैं बच्चे को लेकर दर्द भटक रहा हूं और इस RS कॉन्वेंट विद्यालय के सपरिवार की तरफ से मेरे बच्चे के इलाज के लिए 30,000 रुपया इलाज के लिए मिला है और साथ ही साथ अन्य संगठन और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा भी कुछ धनराशि उपस्थित मेरे पास हुई है। मैं बच्चे के इलाज के लिए दर्द भटक रहा हूँ। आप सभी जनतावासियों से, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से भी अपील है कि मेरे बच्चे के इलाज में 10 लाख से ऊपर का खर्च है, आप लोग कृपया मेरी मदद करने की कृपा करें। ये समाचार के माध्यम से एक वीडियो देखा गया जिसमें बच्चे का दाहिना हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें एक वीडियो तो दिखाया गया कि सड़न तक पैदा हो गई थी और परिवार लाचार हो गया था, गरीब परिवार है, वो इलाज कराने में अक्षम था, तो उन्होंने अपील किया था सहयोग के लिए, तो मेरे विद्यालय के बच्चों ने सहानुभूतिपूर्वक उन बच्चे के इलाज के लिए 21,000 रुपया की धनराशि एकत्रित करके छोटे नन्हे नन्हे बच्चे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसा ला करके दिए, और भी लोग मिला करके कुछ पैसा आपके सहयोग के लिए दिए हैं विद्यालय की तरफ से। विद्यालय ने प्रशासन कहा कि आगे भी कोई सहयोग होगा करने की तैयारी। जी हाँ, हमारे विद्यालय के सारे लोगों ने कहा है आगे और भी हम लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे।